हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, न्यूज़पेपर के अंदर तो ऑलरेडी एड आ चुका है आपके एग्जाम के लिए, एओईओ और एपीएफसी के एग्जाम्स के लिए, बट अभी तक मैंने नोटिफिकेशन उसका डिस्कस नहीं किया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हो तो नोटिफिकेशन तो डिस्कस कर दो। नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे एक बार 25 फेब को, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी ना, फिर उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक बार में सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर सके। हाल फिलहाल हमको ये पता है कि पेपर 25 फेब को आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी वेबसाइट के ऊपर, जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड मीनवाइल हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड अब जो लेक्चर्स होंगे, अभी तक तो जैसे लेक्चर्स, एक देखो पहले तो सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, वो हमने पिछले साल डाले थे आपके एओईओ के एग्जाम के टाइम पर। अब ये जो नई वाली सीरीज चल रही है, इसके लेक्चर्स को भी हम फटाफट अब जो है डाल देंगे, ठीक है। टारगेट ये है कि विद इन 10-15 डेज हम पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के जितने लेक्चर्स हैं वो डाल दें। पीडीएफ के लिए काफी बच्चे फोन करते हैं, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डाउनलोड करने के लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना है 99 रुपीज का। 99 रुपीज का जो पेमेंट है, दैट इज जस्ट कि सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो उसके अंदर पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड करें, ठीक है। नहीं तो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते तो लेक्चर तो फ्री अवेलेबल है ही है, आप हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली बना सकते हैं। चलिए, इस लेक्चर के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस के टॉपिक को। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ट्रेड यूनियंस के, तो बेसिकली ट्रेड यूनियंस किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं ट्रेड यूनियंस के, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, जैसे एक होती है आपकी क्राफ्ट यूनियन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, क्राफ्ट यूनियन के ऊपर 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद एक आ जाती है आपकी इंडस्ट्रियल यूनियन, फिर आती है आपकी जनरल यूनियन, नेक्स्ट आ जाती है आपकी ऑक्यूपेशनल यूनियन, और फिर आ जाएगी आपकी ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमारा मेनली टारगेट है वो ये है कि हम इन डिफरेंट यूनियंस को समझेंगे, भाई क्राफ्ट यूनियन क्या होती है, इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होती है, जनरल यूनियन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बेसिकली हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे क्राफ्ट यूनियन से। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्राफ्ट यूनियन बेसिकली होता क्या है, क्राफ्ट यूनियन के अंदर लोग किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली क्राफ्ट यूनियन एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आप इसको समझिए, या ऐसी यूनियन समझिए जहां पर एक सिंगल क्राफ्ट से रिलेटेड जो लोग काम करने वाले हैं ना, एक सिंगल क्राफ्ट से रिलेटेड, वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने आप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर क्राफ्ट या ट्रेड या रिलेटेड ट्रेड या क्राफ्ट से रिलेटेड लोग आपस में मिलकर के ये यूनियन जो है वो फॉर्म करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक ही क्राफ्ट के लोग या एक ही ट्रेड के लोग एक साथ आएंगे तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, उनके स्किल्स जो है वो सिमिलर होंगे, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो सेम होगी। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखो बहुत सारे हो सकते हैं, इसके अंदर नॉन मैनुअल इंप्लॉयज भी आ जाते हैं और प्रोफेशनल वर्कर्स भी आ जाते हैं। प्रोफेशनल वर्कर्स के अंदर आप देख सकते हो, जैसे इंडिया के पायलट एसोसिएशन, इंडियन पायलट एसोसिएशन, एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन, इसके अंदर क्या है, सारे पायलट है, सबका सेम स्किल है, सबका सेम काम है, सबकी सेम स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। या फिर क्रेन ड्राइवर एसोसिएशन इन अ स्टील प्लांट, वहां पर सारे जो स्टील प्लांट के अंदर जितनी क्रेन्स है उसको चलाने वाले ड्राइवर जो है वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। तो सिंगल एक क्राफ्ट है ना, एक काम है, सबका एक काम है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना काम करने वाले, अलग अलग काम करते हैं सब लोग, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई किसी एरिया में है, कोई किसी एरिया में है, लेकिन क्राफ्ट यूनियन के अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि सब लोग आपस में आकर के जुड़ रहे हैं। क्राफ्ट यूनियन के अंदर सेम क्राफ्ट के लोग या सेम स्पेशलाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो है वो आकर के जुड़ रहे हैं, जैसे स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन हो गया, ठीक है, या एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन हो गया, या अगर आप देखो कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस लोगों जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने वाले लोग जो है वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं,
है ना, तो अल्टीमेटली वो क्राफ्ट यूनियन के अंदर आ जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसी यूनियन के पीछे लॉजिक क्या है कि देखो एक जैसा काम करने वाले लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर एक जैसा काम करने वाले लोग, उनको प्रॉब्लम भी वो सिमिलर प्रॉब्लम ही फेस करेंगे ना। अब अगर पायलट को सैलरी नहीं मिल रही है तो वो सारे पायलट सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कोई क्रेन ड्राइवर एसोसिएशन है फॉर एग्जाम्पल, क्रेन ड्राइवर एसोसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम यह है कि उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, तो सबको फॉर एग्जाम्पल रेस्ट नहीं मिल रहा, तो कॉमन प्रॉब्लम आ गई ना, तो इस टाइप की कॉमन प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, और इसीलिए यूनियन बनाना इसमें एक वैलिड जो एरिया है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि एक सॉलिडैरिटी आएगी ट्रेड यूनियन के अंदर। क्यों सॉलिडैरिटी क्यों आएगी, क्योंकि सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, जब सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होंगे, ठीक है। वो एक दूसरे को ऐसे नहीं देखेंगे यार इसका तो बेकार काम है, जैसे कई बार क्या होता है कि यार कोई मैनेजर है और कोई जूनियर एसोसिएट लेवल पे है, तो मैनेजर को लगेगा कि यार ये तो एक जूनियर एसोसिएट है, ठीक है, इससे इसकी प्रॉब्लम, ये तो बेकार का ड्रामा करता है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, सबका एक ही लेवल, एक ही टाइप का स्किल है, ठीक है, सबका एक ही टाइप का काम है, तो सॉलिडैरिटी जो है वो ट्रेड यूनियन के अंदर फॉर्म होगी। अब क्राफ्ट यूनियन में एक बात और ध्यान में रखना कि क्राफ्ट यूनियन जब मैं टर्म यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल कंपनी के अंदर क्राफ्ट यूनियन बन सकता है, हो सकता है कि एक पूरे रीजन के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उन इंडस्ट्रीज में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब के लोग मिलकर के एक यूनियन बना ले, ठीक है, तो वो भी चीज यहां पर पॉसिबल हो जाती है। अब स्किल्ड क्राफ्ट यूनियन जो होती है उसकी एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि वो अपने आप को बेटर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और बार्गेनिंग पावर भी उनके पास ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन क्राफ्ट यूनियन आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों एरियाज के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट है, फ्रेंडशिप होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के काम के लिए, और इसी वजह से इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से क्राफ्ट यूनियंस को कंसीडर किया जाता है एज द हार्डिएस्ट। इनको ब्रेक करना इजी नहीं होता, और आप देखोगे कि सबसे डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर भी क्राफ्ट यूनियन सरवाइव कर जाती है, क्योंकि क्राफ्ट यूनियन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हुई होती है एक दूसरे के लिए। और अगर आप देखोगे ना ट्रेड यूनियन की ग्रोथ को या ट्रेड यूनियन की डेवलपमेंट को या ट्रेड यूनियन मूवमेंट को, तो ये क्राफ्ट यूनियन ही हैं जिन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर हम बात करें, ओके। अब क्राफ्ट यूनियन की कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, वो वीकनेसेस क्या हैं? अब देखो अलग अलग क्राफ्ट के लोग अलग अलग अपनी यूनियंस बनाएंगे, तो बहुत सारी छोटी छोटी यूनियंस बन जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल क्राफ्ट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो अपनी अलग अलग छोटी छोटी यूनियंस बना लेंगे, तो अल्टीमेटली वो इंप्लॉयर के साथ जाके बार्गेनिंग भी अलग अलग करेंगे, अलग अलग एग्रीमेंट्स साइन करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक जॉइंट एक्शन नहीं हो पाएगा और इंप्लॉयर यहाँ पे खेल खेल जाएगा। इंप्लॉयर जो है वो एक यूनियन को दूसरी यूनियन के अगेंस्ट भड़का देगा, वो कहेगा यार इंप्लॉयर दूसरे एक यूनियन को बोलेगा कि मैं तो करना चाहता हूं तुम्हारी हेल्प, लेकिन एक्स वाई जेड यूनियन की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, तो वो यहां पर दोनों को आपस में लड़वा करके अपना बेनिफिट जो है वो ले लेगा, ओके। उसके बाद अगर आप देखो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से भी क्राफ्ट डिस्टिंक्शन जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। अब आज की डेट में आप मशीनरीज यूज कर रहे हो अनस्किल्ड सेक्टर्स के अंदर, तो डेफिनेटली उससे एक जो क्राफ्ट डिस्टिंक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, जो क्राफ्ट यूनियंस के लिए काफी डेंजरस प्रूफ हो रही है। फर्दर ऐसा माना जाता है स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर्स की क्राफ्ट यूनियन है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ठीक है, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एंड अनस्किल्ड वर्कर्स को दे आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड द सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो इससे क्या होगा कि भाई स्किल्ड वालों ने तो अपनी क्राफ्ट यूनियन बना ली, तो अनस्किल्ड वर्कर को सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो उस तरीके से अपने आप को बेटर ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एक जनरल यूनियन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर तो स्किल्ड लोग भी हैं, अनस्किल्ड लोग भी हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, लेकिन क्राफ्ट यूनियन के अंदर क्या होगा, स्किल्ड क्राफ्ट लोगों ने अपनी अलग यूनियन बना ली, अनस्किल्ड वर्कर्स जो है वो रह गए, ठीक है, ना तो उनका एजुकेशनल इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, ना ही वो उस टाइप की बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा। एंड क्राफ्ट यूनियन में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिडैरिटी नहीं है, अपने अपने क्राफ्ट के लोगों के साथ सॉलिडैरिटी है, लेकिन एज अ
ओवरऑल वर्किंग सेगमेंट जो सॉलिडैरिटी होनी चाहिए वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। सबसे पहले तो 2017 में तो उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्राफ्ट यूनियन होता क्या है। क्वेश्चन वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि क्राफ्ट यूनियन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसके अंदर वो आपको चार पांच यूनियंस के ऑप्शन दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा क्राफ्ट यूनियन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जब कंसेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली आप उसको आंसर कर पाओगे। ये जो हमारा एमसीक्यू कोर्स है ना, उसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चंस डाले हैं। नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है, पिछले साल बच्चों को उसने काफी हेल्प किया था, अभी भी आप उसको जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, काफी रिवीजन उसमें हो भी चुका है एंड रिवीजन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो वो रिवीजन के साथ नए क्वेश्चंस सब कुछ उसमें अच्छा रहेगा आपके लिए। क्राफ्ट यूनियन के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनियन आ जाता है इसके अंदर, दैट इज योर इंडस्ट्रियल यूनियन। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल यूनियन में देखो सिंपल सा टर्म है, समझ आ जाता है, इसमें सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर आ गए। इसमें क्राफ्ट या स्किल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है यूनियन, ये अलग अलग क्राफ्ट, अलग अलग स्किल, अलग अलग ग्रेड पोजीशंस, एक सब वर्कर्स इसके अंदर आ जाएंगे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंगल इंडस्ट्री भी हो सकती है या हो सकता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज से मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, एक स्टील कंपनी है ए, एक स्टील कंपनी है बी, एक स्टील कंपनी है सी, तो ए बी सी तीनों ने मिलकर के उसमें यूनियन है। ठीक है, तीनों के कंपनीज के मेंबर है। ओके, तो मेंबरशिप इसकी काफी लार्ज होती है एज कंपेयर टू क्राफ्ट यूनियन, क्योंकि इसमें अलग अलग स्किल्स के लोग हैं। ओके, प्लांट लेवल के ऊपर फॉर्म हो सकती है, यानी कि एक सिंगल प्लांट, एक सिंगल कंपनी, जैसे टाटा वर्कर्स यूनियन है टिस्को में। ठीक है, रीजनल लेवल पे हो सकती है, जैसे शुगर के केस में सारी शुगर इंडस्ट्रीज की एक रीजनल लेवल पे आपको अगर एग्जांपल देखें बिहार शुगर वर्कर्स फेडरेशन। नेशनल लेवल पे जैसे आपकी कॉलरी मजदूर सभा है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग यूनियंस के एग्जांपल हैं, प्लांट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। लेकिन इंडस्ट्रियल यूनियन के अंदर जनरली एक सिंगल इंडस्ट्री से रिलेटेड यूनियंस बनती है, जैसे शुगर हो गया या स्टील हो गया या आयरन हो गया, सिंगल इंडस्ट्री। ओके, एडवांटेजेस क्या है, एक तो जो क्राफ्ट यूनियन का डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएगा, अनस्किल्ड वर्कर्स अपने आप को उस बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। यूनियंस जो इंडस्ट्रियल यूनियंस है उसके अंदर सारे कैटेगरीज ऑफ वर्कर आ जाते हैं और बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। क्राफ्ट यूनियन के अंदर छोटी छोटी मल्टीपल यूनियंस बन जाती है, इसमें एक बड़ी यूनियन बनेगी जो बेटर बार्गेन कर पाएगी इंप्लॉयर से। ठीक है, उसके बाद सॉलिडैरिटी प्रमोट होगी, क्योंकि इसके अंदर तो देखो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड हर तरह का वर्कर आ गया, तो एक सॉलिडैरिटी क्रिएट होगी वर्कर्स के अंदर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट डेफिनेटली इससे ग्रो करेगी। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि एक तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो कई बार जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ठीक है, वो अपनी बात टॉप लेवल्स तक नहीं, उनकी बात पहुंच पाती है। ओके, एंड ज्यादा जो फोकस रहता है वो स्किल वर्कर्स की बात पे रहता है, क्योंकि दे आर एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। ठीक है, क्योंकि टॉप लेवल्स पे भी यूनियन के वही लोग जाकर के बैठ जाते हैं, तो अनस्किल्ड वर्कर्स को थोड़ा सा यहां पर डिसएडवांटेज रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जनरल यूनियन। अब देखो जैसे क्राफ्ट यूनियन हो गया है पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए, इंडस्ट्रियल यूनियन में फोकस हो गया एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर। जनरल यूनियन जो होता है ना, जनरल यूनियन के अंदर बेसिकली मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो आ जाती है। ठीक है, जनरल यूनियन में क्या होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाएंगी उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनियन के अंदर कि देयर इज ओनली अ स्टील इंडस्ट्री, जनरल यूनियन के अंदर क्या होगा, स्टील वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री वाले भी उसका मेंबर बन सकते हैं, अलग अलग लोग आ जाएंगे। ओके, कवर्स वर्कर्स इंप्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, तो जो मैं आपको बात समझा रहा था। अब जैसे जमशेदपुर लेबर यूनियन है, वो एक जनरल यूनियन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग जो है वो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, सॉलिडैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहता है। ओके, और इसके अंदर एक जो वर्कर फीलिंग होती है ना, एक टू बी द पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क ग्रुप, वो वाली फीलिंग इसके अंदर काफी अच्छी रहती है एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ वर्कर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका ऑक्यूपेशनल यूनियन। ऑक्यूपेशनल यूनियन जो टर्म है ये कॉबल ने बेसिकली इसको डिराइव किया था 1991 के अंदर, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी यूनियनिज्म पे और पहली बार ऑक्यूपेशनल यूनियन टर्म वहां से निकल करके आया था।
ऑक्यूपेशनल यूनियन को किस तरीके से समझ सकते हो? बेसिकली क्राफ्ट यूनियन में हमने देखा स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ऑक्यूपेशनल यूनियंस वो यूनियंस होती है जिसमें आपके सिर्फ अनस्किल्ड क्राफ्ट वर्कर्स होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो, इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हो, क्राफ्ट यूनियन माइनस द स्किल्ड वर्कर्स। सो बेसिकली अनस्किल्ड क्राफ्ट वर्कर्स अगर अपनी यूनियन बनाते हैं तो उसको हम ऑक्यूपेशनल यूनियन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो कि क्रेन ड्राइवर्स, ओके क्रेन ड्राइवर्स तो फिर भी एक स्किल्ड सेगमेंट में आ जाएगा, ठीक है, फिर भी एक सेमी स्किल्ड के हिसाब से आप उसको देख सकते हो क्रेन ड्राइवर्स को। तो क्रेन ड्राइवर्स अगर अपनी एक यूनियन बनाते हैं तो वो एक ऑक्यूपेशनल यूनियन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है क्योंकि वहां पर स्किल्ड सेगमेंट नहीं है। ओके, फाइनली देयर इज ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो ट्रेड यूनियन फेडरेशन बेसिकली क्या हुआ? अब देखो, ट्रेड यूनियंस ने ओवर द टाइम ये रियलाइज किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटेटिव है और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुद से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। उन्होंने बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस तो बना ली हैं और वो बार्गेन भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेड यूनियंस एक नेशनल लेवल के ऊपर शायद प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए। तो अल्टीमेटली जरूरत ये है कि जो ये ट्रेड यूनियंस हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कनेक्टेड रहे, और इसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कनेक्ट होने के लिए इन्होंने क्या आइडिया निकाला कि जो मल्टीपल यूनियंस बनी हुई हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग रीजन्स में, वो सारी आपस में कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारी अपनी एक एक सिंगल यूनियन बना लेंगे, नहीं, वो एक फेडरेशन बना लेंगे, एक ग्रुपिंग ऑफ यूनियंस बना लेंगे। अब इसके अंदर एग्जांपल जैसे ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, इसके अंदर क्या है कि ये एक सिंगल यूनियन नहीं है, ये एक मल्टीपल यूनियंस है और वो मल्टीपल यूनियंस एक फोरम पे आकर के एक साथ बैठ जाती है ताकि वो नेशनल लेवल पे अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे यूपी चीनी मजदूर फेडरेशन है, इसके अंदर क्या है, अलग अलग जो चीनी कंपनियों से रिलेटेड यूनियंस बनी हुई है वो एक जगह पे आकर के जुड़ जाती है ताकि अपनी बात को बेहतर वे में आगे रख सके। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, यूटीयू, सीसीआईटीयू, ये सब क्या है, नेशनल लेवल सेंटर्स है, ठीक है। यहां पर मल्टीपल यूनियंस है, यहां पर एक सिंगल वर्कर इस यूनियन का मेंबर नहीं बनता, यहां पर मल्टीपल यूनियंस आकर के मेंबर बनती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की ताकि वो जॉइंट यहां पर रहे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस होता है, ये इंटरनेशनल लेवल फेडरेशंस है, यहां पर अलग अलग देशों की ट्रेड यूनियंस आकर के मिलकर के इसके मेंबर बन जाती है, ठीक है। अब ये फेडरेशंस जो होती है, ये लूज एसोसिएशंस होती है, दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज अ ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये बेसिकली इनके पास कोई बहुत ज्यादा रियल पावर नहीं होती, ये तो एक तरह का फोरम होती है जहां पे अलग अलग यूनियन आकर के मिलकर के साथ में बैठ करके बात करती हैं, बार्गेनिंग करती हैं। ओके, सो इंडिविजुअल यूनियंस एक साथ जुड़ रही हैं यहां पर इसका मतलब ये नहीं है पावर फेडरेशन के पास चली गई, पावर अभी भी उस पर्टिकुलर यूनियन के पास ही है डिसीजन लेने की और अपने डिसाइड करने की। ये बस एक कनेक्टिंग जो एक थ्रेड होता है ना, वो यहां पर प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ट्रेड यूनियन फेडरेशन का ये काम होता है। ऑलराइट, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल, जनरल, ऑक्यूपेशनल, ट्रेड यूनियन। इसमें से एक क्वेश्चन तो पकड़ के चलो कि वो आपको पूछेगा ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के अंदर। ओके, अब इस लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।